तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसके अंदर हमने रेस्क्यू किया था दो गिलहरियों को जो कि हमें मिली थी औरंगाबाद के हमारे घर के अंदर। तो इनकी माँ इनको लेने के लिए वापस नहीं आई थी, दो तीन दिन से वैसे ही पड़ी हुई थी, इसलिए हमने इनको रेस्क्यू कर लिया। और ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी है इनसे रिलेटेड, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दोनों कैसे, तो इन लोगों को दूध कैसे पिलाना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। बहुत ही आसान है। तो पहले तो आपको इंजेक्शन के अंदर आपको दूध लेना है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और ये दोनों भी अभी सो रहे हैं, तो मैं एक को पहले उठा दूँ। तो ये देखिए ये कितना छोटे से गिलहरी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको सिर्फ पकड़ना है अच्छे से और थोड़ा सा इनको दूध दिखाना है पहले। तो ये बहुत ही शैतान रहते हैं, पूरे भागते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो इनको आपको पकड़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन बहुत आराम से पकड़िए। तो ये आपको ऐसे पकड़ लेते हैं आपकी उंगली को, तो आपको मेक श्योर करना कि अच्छे से आपको पकड़ ले पहले, और इनको फिर आपको दूध पिलाना है। तो पहले थोड़ा सा इनको इसका टेस्ट देना है, तो ये पीना चालू करते हैं आराम से। तो ये अभी पी रहा है, बहुत शैतान रहते हैं ये लोग। इन लोगों को प्रॉपरली पकड़, हाँ अभी मैंने इसको प्रॉपरली पकड़ लिया है, तो आपको लग रहा होगा इसको दर्द हो रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, ये चीखता है अगर इसको थोड़ा सा भी दर्द होता है तो। और आपको मेक श्योर करना है कि आप एक एक बूंदी थोड़ा थोड़ा दे, नहीं तो इनके नाक में से निकलना चालू होता है दूध। और इसका जब पेट भर जाता है तो ये मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। और आपको मेक श्योर करना है कि मतलब ये कितना भी पी, अगर पी रहा है कंटिन्यूअसली ना, तो इसको मतलब 2.5 ml या 3 ml से ज़्यादा इनको नहीं पिलाना है, क्योंकि इनका उतना पेट नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़्यादा पी लेते हैं, तो इसलिए मैंने 2.5 ml का ही ये नहीं लिया है इंजेक्शन, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 2.5 ml ही मैं इनको पिलाता हूँ दोनों को भी। तो कितना आराम से पी रहा है आप देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको ये बच्चे कहीं पे मिलते हैं गिलहरी के, तो आपको उनको घर पे नहीं लेके आना है, आपको थोड़ा वेट करना है, उनकी माँ आती है नहीं। तो हमारे तो घर के गैलरी में ही मिले थे, तो हमने उनको वहीं पे रहने दिया था दो तीन दिन, लेकिन ये बहुत चीखना चालू किए थे, बहुत चीखते हैं जब इनको भूख लगता है। तो फिर इनको हमने फाइनली घर के अंदर ले लिया, और फिर इनको दूध पिला के फिर से वहीं पर रख दिया था, लेकिन इनकी माँ वापस नहीं आई, इसलिए फिर हम इनको घर पे ही लेके आ गए अभी। तो हमने कम से कम 3-4 दिन तक वेट किया, तो देखो कितना गिरा रहा है नीचे। और अगर इनको तेज़ी से पिला देना तो इनके नाक में से निकल आता है पूरा, तो ये मेक श्योर करना है बहुत स्लोली स्लोली आपको इनको देना है। देखिए अभी इसका पेट भर गया है, तो सारा नीचे गिराना चालू किया इसने, तो इसका पेट भर चुका है, तो इसको हम नीचे रख देंगे, और इसके साथ जो दूसरा इसका दोस्त है उसको ले लेंगे पिलाने के लिए। तो ये बहुत होशियार रहते हैं, आपको मतलब नहीं, इनको आपका टच जब समझ में आता है ना, तो आप आते हैं आपको ऐसा पकड़ लेते हैं प्रॉपरली। स्टार्ट में पकड़ के नहीं बैठते थे क्योंकि ये बहुत डरे हुए रहते थे। तो अभी मैं इनको इसको भी पिलाऊंगा इसके दोस्त को।
तो ये पकड़ने में बहुत तकलीफ देते हैं स्टार्ट में, लेकिन आप इनको अच्छे से पकड़ लेते हो तो इनको फिर पिला सकते हो। तो इसको मैंने बिठा लिया उंगली पे, ये कैसे पकड़ के बैठे आप देखो कितने अच्छे से। और इसको भी, और आपको इसी एंगल से इनको पिलाना है, थोड़ा सा ही आपको इसको पहले टेस्ट देना है। तो ये पीना स्टार्ट कर देता है, गिरा दिया इसने। ओके, अभी इसने पीना स्टार्ट किया, लेकिन इसको मैं अच्छे से पकड़ लूँगा क्योंकि ये खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। फिर आपको इसको ऐसे पकड़ लेना है अच्छे से और फिर इनको पिलाना है। देखिए कैसा कर रहे हैं। इसके नाक में लग गया थोड़ा सा। हाँ, अभी इसने पीना स्टार्ट किया, लेकिन ये बहुत ही स्लो पी रहा है आज क्यों। और आपको इनको नहीं, ये सो भी रहे होंगे ना, तो भी इनको 4-4 घंटे बाद उठा कर दूध पिलाना पड़ता है, नहीं तो ये मतलब बहुत चीखना चालू कर देते बाद में। आपको मैं एक बार इसका क्लोजअप से दिखा देता हूँ। पहले अगर इसको मैं अच्छे से पकड़ ही लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही भागने का ट्राई करता है, बहुत शैतान है ये बोला। अभी मैंने इसको पकड़ लिया और इसको भी मैं पी लेता हूँ। बहुत कितना मस्ती कर रहा है ये, तो बहुत ही आपको पेशेंस से इनको खिलाना पड़ता है। और इनको दूसरा कुछ चीज़ नहीं खिलाना पड़ता है। और इनको आप अगर मतलब आपको ये अबैंडन रहते हैं और आपको मिलते हैं कहीं भी, तो आपको इनको पहले एक दो बूंद पानी पिलाना है ग्लूकोज का, तो इन्हें ये थोड़ा हाइड्रेट हो जाते हैं अच्छे से, और फिर इनको दूध आप पिला सकते हो। तो देखिए सिर्फ 2.5 ml दूध है, लेकिन दोनों भी मिलके ख़त्म कर देते हैं। और कितना अच्छे से पी रहा है ये, अच्छे बच्चे की तरह। और ये वाला बंदा जो है ये बहुत सारा नीचे गिरा देता है, वो दूसरा वाला बहुत अच्छे से पीता है बिना गिराए। आप मेरे हाथ पे देख सकते हो कितना इसने गिरा दिया है। हो गया, एक बार फिर से आपको देख लेना, अगर ये पीता है तो इसको आपको कंटिन्यू देना है। लेकिन इसका हो गया, ये ज़्यादातर नीचे ही गिरा रहा है, फिर भी इतना बचा है तो हम ट्राई करते हैं इसको पिलाने की। नहीं, हो गया इसका, तो इसने भी दूध पी लिया। ये ऐसे ही आपको पकड़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको इनको बहुत ज़्यादा मतलब तंग नहीं करना है, सिर्फ दूध पिलाते समय इनको बाहर निकलना है। और फिर मैं एक बार इन आपको दिखा देता हूँ इनका घर कैसा हमने बनाया है। तो ये शू बॉक्स के अंदर हमने इनके लिए एक पहले ये रखा हुआ है टॉवेल छोटा सा, और फिर इसको आपको अंदर छोड़ देना है। ये छोड़ते नहीं आपकी उंगली, तो आपको छोड़ना पड़ता है। और इसके अंदर इसका दूसरा दोस्त सो भी गया, तो ये ज़्यादातर सोते ही रहता है खाना खाने के बाद, तो इनको आपको कवर करना है। और इसके ऊपर और आपको और एक टॉवल रखना है क्योंकि अगर इनको ठंड बचता है तो ये इस वाले सेक्शन में टॉवल के चले जाते हैं, और अगर इनको बाहर आना होता है तो ये उस साइड आकर बैठ जाते हैं बाहर। तो आपको ऐसा रख देना है बस, और आप देख सकते हो ये इसके अंदर छुप जाते हैं। तो ज़्यादातर ये इनका नेचुरल जैसे ही रहते हैं वैसे ही मतलब इसके अंदर जाकर रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा अंधेरे के अंदर छोटा सा। तो आप मतलब देखते रहिए, और इसके बारे में हम अपडेट अभी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे।